Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. से आता है तो ये इसी तरह आवाज देकर सबको चौकन्ना कर देता है। लट्टू, ये राजू है, राजू अपना नया दोस्त।
मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा। ए मिस्टर सारा चल चल फोट यहाँ से बैठ जा। फिर से हाथ लगा लगा फिर से हाथ। ए हाथ नहीं लगाना बहुत मारूंगा पकड़ के। अरे क्या है हाथ छो। अरे ये तो अपनी आंटी है आओ तुम इससे मिलवाएं। आओ अरे आओ राजू राजू आंटी ये राजू है राजू ना नया दोस्त आज से ये हमारे साथ काम करेगा। आओ राजू आओ। घबराते क्या हो चलो यारो इस नए यार से मिलो ये है हमारा राजू आज से हमारे साथ। नहीं नहीं बाबू जी मुझे ये सब नहीं होगा। डरते क्यों हो हम तुम्हें कोई और काम देंगे। दादा बड़ा काम देने वाला। क्या है क्या बात है। अबे बात क्या है बात कर रहा हूँ तो चीर डालूंगा पकड़ कर। हंस क्या रहा है समझ गया तूने मेरे को। चूहा चूहा यार तेरे को अभी बताता हूँ जाना नहीं ला रहा दोनों उठा ला। यहाँ लाओ इसको। क्यों बे पैसे नहीं दिए। कौन बोलता है पैसे दे दिए दे दिए। लो राजू तुम्हारे लिए काम आ गया है। ये आदमी बगैर पैसे दिए ही भाग रहा था इससे पैसे वसूल करो। ये तो बहुत अच्छा काम है बाबूजी ये मैं कर देता हूँ। भाई साहब दे दीजिए ना पैसे। राजू तुम कर चुके हैं इनसे पैसे वसूल। इनसे तो पैसे इस तरह वसूल किए जाते हैं। ठहरो दादा क्यों झूठ मूठ अपने हाथ गंदे करते हो जाने दो इसे। जाओ भाई जाओ जाओ। बहुत अच्छे आदमी बहुत अच्छे आदमी। हाथ नहीं मिलाओगे। जरूर मिलाऊंगा। माता की मेरे और पैसा दे तुमने भाई पैसा लो मेरा। चलो राजू हम लोग ऊपर चलें। ऊपर कुछ और दिखाएं तुम्हें चलो। क्यों लाल साहब क्या तकलीफ है। मेरे पास पैसे नहीं है राजा। चमन नहीं बहुत जोर से मारता हूँ। अब चीर फाड़ तो नहीं करोगे। कभी नहीं करेगा। कल पैसे लेकर आओगे। जरूर लेकर आएंगे। आओ चलो चलो राजू आओ। टू 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 नहीं भाई बाबा वाह से सुनो। डू डू हाउ डू यू डू हाउ शाबाश। डू 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 ओ हो ऐसे नहीं ऐसे बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं। हाउ डू यू डू हाउ डू बोलो हाउ डू डू नो डू डू यू डू यू डू यस। अच्छा देखो जब भी मैं तुम्हें किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं नहीं समझी किसी साथ तुम्हारी जान पर ओ शंभू दादा शंभू दादा इनसे मैं तुम्हारी जान पहचान कराना चाहता हूँ। इनसे कुछ कहो खुशी की बात है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। सचमुच नहीं एक्ट एक्ट क्या करना होगा एक्ट एक्टो मुझे नहीं नहीं ये एक्टो डक्टो करके बुढ़ापे में मैं अपना चरित्र खराब नहीं करूंगा समझे। अरे सुनो बात नहीं, चलो जल्दी लाता हूं। तुम्हारा सैनल कहां है। ए सुनो जी तो क्या तुम हमारे बारे में अंदर कुछ बोला नहीं क्या। अरे बात करने का मौका ही नहीं मिला वहां तो जान पहचान कराई जा रही है। जान पहचान तो हम क्या करेंगे। तुम क्या करेंगे अपनी तशरीफ का टोकरा बाहर ले जाओ। बाय बहुत अच्छा हाथ नीचे हाथ छोड़
व्हाट फोटो, क्या फोटो मिला जी अशोक बाबू। हेलो हेलो लाइट तरुणा, चलो तैयार। कैसे आना है समझती हो ना? गुड। कैमरा मेरा।
वेरी गुड। तेरे को क्या मालूम, जब राजू को पता चला तो बहुत बिगड़ गया। दादा से बोला अब मैं कभी बंसरी नहीं बजाऊंगा। अबे छोड़ यार, तू देख लेना, दादा भी उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शीशे में उतारेगा कि उसके बाप का नाम भी भूल जाएगा। अरे तुम सब गधे हो गधे, दादा राजू को हमारे धंधे के लिए नहीं अपने काम के लिए लाया है। अपने काम के लिए? अरे हाँ भाई, घर में जवान बहन जो है उसके लिए भी तो कोई लड़का चाहिए। हे तू समझ तो, वो थोड़ी समझता है, रात दिन भूखा प्यासा उसकी खोज में घूमता रहता है, आज सुबह सुबह उठ के चला गया। समझ जाएगा धीरे धीरे, वो भी समझ जाएगा। वो समझे कि नहीं समझे, पर तू लक्ष्य रखो बाबू, अपने गंदे काम में उसको नहीं लगाना। बड़ा बाबा बड़ा माइटी है मेरा, बस उसको अपने गंदे काम में नहीं लगाऊंगा। एक बात पूछूं, तुमने आज तक किसी के लिए ऐसी बात नहीं की, राजू के लिए ये सब क्यों करती है? बात क्या? क्या बात होगी, चांगला बेचारा मानुस है, इसके लिए बोलती हूँ। चाह दे चाह। इसमें तो कोई शक नहीं, पिक्चर बहुत अच्छी बन गई है और लड़की पर तुम्हारा जादू भी चल गया। अब तुम्हें किस बात की शिकायत है? देखो पिक्चर रिलीज होने वाली है, जरा डट के पब्लिसिटी हो जाए, डट के। पब्लिसिटी तो हो जाएगी, वो मेरा जिम्मा है, लेकिन तुम्हारी पर्सनल पब्लिसिटी जिस ढंग से हो रही है उसकी कुछ खबर है तुम्हें? पर्सनल पब्लिसिटी क्या मतलब? सारी दुनिया को पता है इस चीज का, अब तो ये बात पेपरों में छपना शुरू हो गई है, शायद तुमने देखा नहीं है। देखो, दिग्दर्शक अशोक का हीरोइन मीनाक्षी के साथ रोमांस। व्हाट? ये पिक्चर जब खत्म हो जाएगी तो मेरी फोटो देखकर राजू जरूर आ जाएगा ना? हाँ क्यों नहीं। अच्छा करना, एक बात बताओ, तुम्हें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती? बोले चुप क्यों? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? गुस्सा करने की क्या बात है? ये तो सिर्फ आपने कहा कि राजू मिल जाएगा इसीलिए कर रही हो, नहीं तो इस काम की मुझे क्या समझ है? और मेरी जो तारीफ हो रही है ये सब तो आप ही की वजह से है। ये बात नहीं है करना, दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट डायरेक्टर है, उसका नाम है चार्ली चैपलिन। कभी उसकी कोई पिक्चर आई तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। उसका कहना है आर्टिस्ट्स एंड इडियट्स आर बॉर्न नॉट मेड, मतलब समझी, कलाकार और बेवकूफ पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। मैं तो बेवकूफ हूं। नहीं, तुम एक कलाकार हो, पहला ऐसी कलाकार। तुम्हें देखकर मुझे महसूस हुआ तुम्हारे अंदर के कलाकार को मैं जगा सकता हूं, उसे दुनिया के सामने पेश कर सकता हूं, इसलिए तो मैं तुम पर इतनी मेहनत कर रहा हूं। ये लो। जैसा मां बदौलत ने सोचा था वैसा ही हुआ। क्या हुआ अब्दुल नारायण? शहजादे सलीम, अनारकली की जुदाई का खून तुम्हें खाए जा रहा है, इससे तो बेहतर है शराब पियो शराब। सबसे अच्छा होता अब्दुल नारायण अगर मैं तुम बन सकता। ठीक कहा, ठीक कहा। मां बदौलत को कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। लड्डू तरना, कहां से लाया ये लड्डू? ये तो मेरी तरना है, वही आंख वही हो। लड्डू लड्डू, ये मेरी तरना है लड्डू। क्या बात है राजू? चमन ये देख, मेरी तरना मुझे मिल गई, ये देख। पागल तो नहीं हो गया? ये तो नई हीरोइन मीनाक्षी है, आज ही इसकी तस्वीर लग रही है। ये मेरी तरना है, मैं जाता हूँ चमन।
क्या है? मुझे तरना से मिलना है। तरना? इधर कोई तरना होना नहीं रहता। हाँ हाँ रहती हैं। तुम्हें नहीं मालूम? किधर जाता है? ये देखो उसका फोटो। अरे ये तो हमारा मियम साहब का पोतो है। हाँ हाँ यही मेरी तरना है, मेरी होने वाली बीवी। मेरा नाम है राजू। तुम उसे जाके कहो कि राजू मिलने आया है, वो फौरन चली आएगी। क्या बात है दरबान? बाबूजी मुझे तरना से मिलना है। तरना से? हाँ बाबूजी, मेरा नाम है राजू। राजू मैं उसे लेने आया हूँ बाबूजी। देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये तरना का नहीं, ये तो मीनाक्षी देवी का बंगला है। और तुम उसे कैसे मिल सकते हो? वो तो मेरी बीवी है। बुरका गेट बंद करो। जी साहब। बाहर चलो। ऐसे कभी नहीं कर सकती। उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला होगा। झूठ बोला होगा? तू समझता है, तू जो सोचता है वही ठीक है। अरे नाटक वाली है, तेरे साथ भी नाटक किया होगा। कुसुम, समझ में नहीं आता तू तरना से इतना क्यों जलती है? क्या बिगाड़ा हाल से तेरा? तू क्या समझेगा, मरद जो ठहरा इसीलिए तो झूठे प्यार का सपना लेकर भटकता फिरता है पागलों की तरह। राजू आया था। कैसे कहा? मुझे मालूम है वो आया था, आपने उसे निकाल दिया, मुझसे मिलने नहीं दिया। हाँ क्योंकि आज तुम उसे मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? आज ही के दिन के लिए तो मैं जी रही थी, आपने मुझसे वादा किया था, क्या वो सब धोखा था? कोई धोखा नहीं था। जानना चाहती हूँ मैंने तुम्हें उससे क्यों नहीं मिलने दिया? और मेरे साथ जिस अखबार को उठाओ, जिस अखबार में देखो, सब में तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारी तारीफ। मीनाक्षी तुम समझ नहीं गई, आज तुम में और राजू में जमीन आसमान का फर्क है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मेरी बात पूरी सुने बिना ही चली आई? शायद मुझसे नाराज हो, शायद मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन देखो मैं जो भी कह रहा हूं या कर रहा हूं वो सिर्फ तुम्हारे ही भले के लिए है। आखिर मेरी तरफ भी तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। वो फर्ज निभाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सवाल नहीं है। तुम बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी कामयाबी में मेरा भी कुछ हिस्सा है, और इस कामयाबी की खुशी में मैं एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहा हूं। उसमें इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम कहां हो, क्या हो, खुद अपनी आंखों से देख सकती हो। तुम बड़े से बड़े प्रोड्यूसर से मिल सकती हो, आर्टिस्ट से मिल सकती हो, डायरेक्टर से मिल सकती हो। सिर्फ राजू से नहीं मिल सकती? क्यों, क्या कसूर है उसका? क्यों आपने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया?
आप ही ने तो कहा था जब मेरी तस्वीर अखबारों में छपेगी वो खुद आएगा मुझे मिलने के लिए, और वो आया भी था लेकिन आपने उसे भगा दिया। क्यों जाने वो कहां से किस हालत में क्या क्या उम्मीदें लेकर आया होगा। देखो मीनाक्षी, इस दुनिया में राजू के सिवा और भी बहुत कुछ है जो इस कामयाबी के साथ तुम्हारे कदमों में आ रहा है। उसे एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद भी अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कुसुम, ए कुसुम, कुसुम, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या है? साड़ी। लूट का माल है क्या? जब मैं मरूंगी तो कफन डाल देना इसका। छी छी छी, तू कैसी बातें करती है कुसुम? लूट का माल मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा। अरे आज अपने को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है विलायती माल का। वो अशोक बाबू है ना, फिल्म का डायरेक्टर अशोक बाबू, उसके यहाँ बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। अब्दुल और शंकर माल शाम को वहाँ पहुँचा देंगे, रुपया सब मैंने एडवांस में ले लिया, सोचा अपनी बहन के लिए। अरे न न न राजू, अरे तुम कहाँ भटकते रहते हो यार। हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। अपना एक दोस्त है, उसने तुम्हारे लिए मिल में एक नौकरी का बंदोबस्त किया है। क्या बात है, किस सोच में पड़ गए? जी जी कुछ नहीं। अशोक बाबू, आपको मेरी भी एक जैसा ही लगता है। ये मेरा दोस्त राजू, हेरोइन देखना चाहता है, दिखा देना। हाँ जरूर जरूर, हाँ हाँ, यहाँ खड़े हो जाओ। देखो वो है फोटो कर रही है। मित्तल कम लांग लेट है फोटो, कम ऑन रेडी प्लीज। थैंक यू। लहरों से लहरों से खेलता हुआ लहरा लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। वो स्टार जिसने सिर्फ एक पिक्चर के बाद आपके दिलों में तहलका मचा दिया है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आपको एक प्लीज गिव अ हैंड लेडीज। Oh,
बस। रात बहुत हो चुकी है और मीनाक्षी को सुबह जल्दी शूटिंग पर जाना है। उम्मीद है आप अभी से इजाजत देंगे। मीनाक्षी तुम अब आराम करो, मैं जरा मित्र को ड्रॉप करके आऊँ। अच्छा अशोक साहब अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। ओके ओके। माधु जी। मैम साहब। माधु तुम राजू को जानते हो? राजू? हाँ वो तो रगिया दादा का आदमी। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहता है? जी मैम साहब। तो फिर गाड़ी निकालो, मुझे उससे मिलना है। जी जल्दी करो। अच्छा मैम साहब। मेरे हम सफर किसी राह पे किसी मोड़ पर कहीं चल न दे तू छोड़ अब। राजू तू दारू पिया? हाँ पिया, क्योंकि शराबी के सिवा हम सफर से कोई नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने शराब पिया। तो यहाँ क्यों आया? अब नहीं पीऊंगा कुछ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। तू ठीक ही कहती थी, मैं सच्चे प्यार को ठुकराकर झूठे प्यार के पीछे भाग रहा था। कसम मैं फिर से सपना देखूंगा, हम दोनों घर बसाएंगे, हम दोनों गांव लौट जाएंगे। कुसुम राजू। हाँ कुसुम। राजू क्या बात है? मेरे राजू नहीं मिला? नहीं मालूम है तुम कहां गई थी, लेकिन उस नरक में जाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तो स्वर्ग समझ के गई थी अशोक बाबू, मुझे नहीं मालूम था वो सचमुच नरक है। मीनाक्षी क्या बात है? सुनो, इतना कुछ पाकर थोड़ा सा खो जाने का दुख तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाएगा। रात बहुत हो चुकी है, जब सो जाओ। गुड नाइट। से गुड नाइट। मैं जा रहा हूं कसम। कहां? शहर में आकर मेरे सब सपने टूट गए, सोचता हूं गांव ही लौट जाऊं। मगर कल रात तू एक नए सपने की बात कर रहा था। मैंने रगिया दादा का नमक खाया, मैं उसकी बहन को धोखा नहीं दे सकता। कसम मेरे पास कुछ नहीं जो मैं तुझे दे सकूं। रगिया दादा का नमक खाया, ये नाटक उसी के पास करना और फिर जहां मर्जी आए चले जाना। कुसुम। राजू, कुसुम दीदी, कुसुम दीदी,
सुन दीदी, लगे दादा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ दीदी, लगे दादा ट्रेन के नीचे आ गया है दीदी। जान तो बच गए मगर हाथ कट गया दीदी। राजू। हाँ दादा। अच्छा ही हुआ जो तुमने पूरे रास्ते पे आने से इनकार कर दिया। मेरा अंजाम देख रहे हो? जिस हाथ से बुरे काम करता था, जिस हाथ की ताकत पे मुझे घमंड था, वही हाथ चलता रहा। मैं पुलिस की आंखों में तो धूल झोंकता रहा, लेकिन भगवान की मार से ना बच सका राजू। दादा तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारा सीधा हाथ बनकर रहूंगा, तुम्हारा सब काम संभालूंगा। नहीं नहीं राजू, खबरदार ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मैं ये काम बंद कर दूंगा, मैं सब काम बंद कर दूंगा। राजू जी, सुना है तुम कुसुम से शादी करना चाहते हो? सच पूछो तो मेरे दिल में भी यही था। बस बस, दिल की बात दिल में रहने दो भैया, लो दूध पी लो। रख दे, मैं पी लूंगा कुसुम। तू जा, जा तू, मुझे राजू से कुछ बातें करनी है। राजू अगर ये सच है तो तू जल्दी से कुसुम से शादी कर ले और अपने गांव लौट जा। चला जाऊंगा दादा, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही करूंगा, मगर जाने से पहले मुझे किसी से कुछ फैसला करना है। कैसा फैसला? बाद में बताऊंगा, लो दूध पियो। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता? ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी खातिर धन दौलत सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं देखती हूँ। यहाँ क्यों आया है? क्या कहना चाहता है तू? मैं कहना चाहता हूँ कि तू एक आवारा और बदचलन लड़की, जो कुछ तू कह रही थी वो सब झूठ है। तुझे जो कोई मिल जाए तू उससे इस लड़ाती फिरती है। क्या बात है भाई, बड़े सच और झूठ के पीछे पड़े हो। कौन हो तुम? बतलाओ तो सही, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। सुना तुमने, ये मेरा बाप है और मैं इसे नहीं पहचानता। क्या हुआ मियां साहब? क्या हुआ मीनाक्षी? कुछ नहीं, अब जाइए, मैं भी आती हूँ। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ। हाँ हाँ, मेरे नुकसान की तुम परवाह मत करो। ये बतलाओ, ये आदमी कौन था जिसे तमाचा मारने के बाद भी तुम्हें रोना पड़ रहा है? एक बदमाश आवारा लफंगा। ना 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 ना, ना, ना ऐसा मत कहो, मेरा बाप ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, ये कहीं तुम्हारा राजू तो नहीं था? वो मेरा राजू नहीं था। समझा। कब तक उसकी राह देखती रहेगी? खाना खा ले, वो आ जाएगा। नहीं नहीं भैया, अभी मुझे भूख नहीं, तुम सो जाओ, मैं खा लूंगी।
मोहब्बत लट्टू लट्टू राजू के लिए ऊपर एक जाना यार कब से ऊपर बैठा है बेचारा कमल पर कोई नहीं आएगा समझे राजू नीच मवाली छोड़ दे मेरा रास्ता Yeah!
ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। नहीं अशोक बाबू, आप राजू को नहीं जानते। वो अपने गुरु का कहना कभी नहीं टाल सकता। वो बिना वजह किसी पर चाकू नहीं उठाएगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, इसलिए कि गुंडा लफंगा आवारा होते हुए भी आज तक तुम उसे भूल नहीं सकी। भूल जाऊंगी, हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी राजू का नाम भी नहीं लूंगी। अब भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। मैं जानती हूँ आज उसकी ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। अब भगवान के लिए एक जोड़ी बैल खरीद कर उसे किसी तरह गांव वापस भेज दीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, अब जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। सारी जिंदगी आपके गुलाम बनकर रहूंगी। आप राजू को हमने तो पहले तय कर लिया था अशोक बाबू कि राजू को हम छोड़ देंगे। रघिया के स्टेटमेंट और उसके अड्डे के बहुत सारे लोगों के बयानात से हमें सब पता चल गया है। आओ राजू आओ। यह है अशोक बाबू, शहर के बहुत बड़े आदमी, तुम्हारे लिए सिफारिश करने आए। इस शहर में तो सभी बड़े आदमी रहते हैं दरोगा साहब। अच्छा नमस्ते, आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजू राजू, तुम गांव के एक भोले भाले किसान हो, तुम्हारा शहर में रहना ठीक नहीं है। मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं तो आपके लिए अच्छा होगा ना बाबूजी? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तरना के लिए। तरना की बात छोड़िए बाबूजी, तरना तो मेरे लिए मर चुकी है। आप अपनी बात कीजिए। कहूं मैं तो ये चाहता हूं कि तुम गांव लौट जाओ। मैंने सुना तुम्हारे पास बैल नहीं, ये लो 1000 रुपए, इनसे एक जोड़ी बैल खरीद। बस बाबूजी, तरना की कीमत सिर्फ 1000 रुपया? नहीं, तरना की कीमत इस वक्त लाखों रुपए है, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारे साथी कौन? आवारा, बदमाश, चोर। हाँ बाबूजी, आवारा, बदमाश, चोर जरूर है, लेकिन डाकू नहीं। मैंने कह तो दिया है, आप लोग समझते क्यों नहीं है? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। परेशान तो हम हो रहे हैं मैडम, 10 दिन पहले ही इंस्टॉलमेंट अशोक बाबू को पहुंचा दी, और ये डेट भी तो उन्होंने हमको दी थी। अगर अशोक बाबू ने डेट दी है तो अशोक बाबू से जाकर बात कीजिए। मीनाक्षी, ये सब क्या हो रहा है अशोक बाबू? आपकी बातों में आकर हम सबने धड़ाधड़ सही कर दिया। आप चिंता न कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। मीनाक्षी,
सुनो मीनाक्षी, मीनाक्षी ये सब हमेशा नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता अशोक बाबू? यही जो कुछ तुम कर रही हो, आखिर तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मीनाक्षी के लिए लोग मजाक तो आप ही का उड़ाएंगे अशोक बाबू, क्योंकि वो आप ही की रचना है। फिर भी मीनाक्षी तन्नाही का एक अंग है, ये बात आप सब लोग भूल भी जाएं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? आई सी, तुमने मुझसे झूठा वादा किया था, तुम राजू को अब भी दिल से हटा नहीं सकी हो। लेकिन मीनाक्षी, जिस राजू के लिए तुम अपना सब कुछ लुटाने पर तुल गई हो, जानती हो उसने मुझसे क्या कहा? तन्ना मेरे लिए मर चुकी है। बात तो सच है अशोक बाबू, तन्ना तो मर चुकी है। आप सब लोगों ने मिलकर तन्ना का गला घोट दिया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आप तन्ना को मारकर मीनाक्षी को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि उसमें आप खुद जिंदा रहेंगे। मीनाक्षी जिंदा रहेगी तो आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी और साथ साथ दौलत भी मिलेगी। मीनाक्षी, मैं सच कह रही हूँ, जो कुछ भी आपने किया है मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है, नाम कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए। मीनाक्षी प्लीज, तुम मुझे इतना गिरा हुआ आदमी समझती हो? ऐसा सोचने से पहले कम से कम एक बार मुझे आजमा तो लिया होता। आजमाना चाहती हो? आओ मेरे साथ, आओ ना। आओ। ये हमारा कैश, 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 चेकबुक, चेकबुक, कैश, पासबुक और भी बहुत कुछ पड़ा है। अब तो तुम सब कुछ समझने लगी हो ना, और बोलने भी लगी हो। ले लो ये सब कुछ, सारी दौलत, और आज से अपने पास रखो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरा गला घोट दीजिए, मीनाक्षी का बोझ अब मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती। गलती मुझसे हुई है, मेरा ख्याल था औरों की तरह धन दौलत शोहरत पाकर तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। तन्ना के अंदर छुपी हुई मीनाक्षी को तो मैं पहचान सका, लेकिन तन्ना को नहीं पहचान सका। तुमने कहा तन्ना को मारकर मैं मीनाक्षी को जिंदा रखना चाहता हूं, क्योंकि उसमें मैं खुद जिंदा रहूंगा, मीनाक्षी मेरी अपनी रचना है। ये बात सच थी। थोड़ी देर पहले, मगर अब बात कुछ और है। अशोक बाबू, तन्ना चाहे किसी की हो, मीनाक्षी पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। आज मैं मीनाक्षी का गला घोंट कर उसे मार डालूंगा, ताकि तन्ना जिंदा रह सके। एक इंसान के नाते मैं तन्ना में भी जिंदा रह सकता हूं। तुम जिसकी अमानत हो उसे लौटा दी जाओगी, मैं खुद तुम्हें राजू के पास ले जाऊंगा, और मेरे साथ। क्या हुआ अशोक बाबू? I'm sorry. क्या बात है अशोक बाबू, आप खामोश क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए, मीनाक्षी अब काम नहीं करेगी। क्या बात करते हैं आप, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? हमारा नुकसान कौन भरेगा? आप लोगों का नुकसान मैं भर दूंगा, जैसे भी हो सकेगा। अना छोड़िए,
आप कोई धनी कुमार या राजकपूर हैं क्या? आप कहां से नुकसान भरेंगे? अजी मैं भर दूंगा। अगर आपका नुकसान अशोक बाबू ना भर पाए तो मैं भर दूंगा। मैं नहीं मित्र, नहीं, हरगिज नहीं। अशोक बाबू, जिस लड़की के लिए एक दिन 5,000 रुपया मैंने पानी में डाल दिया था, आज 5 लाख भी पानी में डाल दूंगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम्हारी तमन्ना भी पूरी ना हो पाएगा। हाँ, मैं सच सच कहता हूँ, आप लोग मुझ पर पूरा पूरा भरोसा रखिए, आपका सारा नुकसान मैं भरूंगा। मैं नहीं। मेरे लिए आप नुकसान को बर्दाश्त करेंगे? मेरे पास जो कुछ भी है आप सब ले लीजिए। मीनाक्षी, ये तुम क्या कर रही हो? अशोक बाबू, आज आप जो मुझे दे रहे हैं उसके सामने ये सब कुछ नहीं। हेलो जी साहब, गाड़ी निकालो। राजू भैया, ए राजू भैया, वो तुमसे मिलने आ रही है, वो मीनाक्षी देवी, वो हीरोइन। क्या? राजू, मीनाक्षी देवी आप और यहाँ गरीबों की बस्ती में? ऐसा मत बोल राजू, आज मैं मीनाक्षी नहीं हूँ, तरना हूँ, तेरी तरना। आज मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आई हूँ। तरना? हाँ राजू। तरना? राजू मैं जाऊँ मैम साहब? ओ अरे, साहब कहाँ है? साहब तो गए मैम साहब। गए? अच्छा मदन भैया, हम लोग चलते। अच्छा राजू जाओ। तू कब तक राह देखती रहेगी? तेरा अशोक बाबू नहीं आएगा। चल चल। तरना, ठहरो। मुझे मालूम था आप जरूर आएंगे। हम दोनों वापस गांव जा रहे हैं। मुझे मालूम है। तन्ना, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया, वो देखो। बैल? देख राजू, अशोक बाबा हमारे लिए एक जोड़ी बैल लाए हैं। मगर बाबूजी, हम ये बैल ले कैसे जाएंगे? वो इंतजाम भी हो जाएगा। लो बोल लो, कर लो बात। अरे उस्ताद, मुझे तो ये बैल वाला बाबू कुछ अजीब दिख रहा है। अरे बैल हमारे सर पे लाती है और वहाँ खड़ा हुआ लवड़िया से कप्पे लड़ा दिया। उस्ताद, मुझे तो ये कोई छड़की दिखाई दे रहा है। ठहरो, आ रही हूँ खबर लेके इसकी। अरे अरे वो बैल वाले बाबू, अरे भाई हमको दूसरा काम नहीं है, तुम्हारे बैल लिए खड़े रहे बस। बैल चल रहे हमारे यार। लल्लू भैया। अरे क्या लल्लू? अरे अरे पैना, अरे अरे ओए ओए चक्कू बाज। अरे उस्ताद, अरे देखो कौन मिल गया। ओए अरे देखो अपने चक्कू बाज और पैना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओए आ जाओ आ जाओ। अरे अरे ओए यार, तू कैसे क्या बन गया चक्कू बाज? अरे अरे लो बोल लो, कर लो बात। अरे उस्ताद देखो क्या हो गया। अरे पैना, मैंने क्या नहीं था कि दुनिया गोल है, घूम फिर के फिर मिल जाएंगे। अरे उस्ताद देखो, ओए बल्लिया जवाना, बल्लिया जवाना। ओए तुम तो शहर में आके बिल्कुल शहरी बाबू हो गया। अरे उस्ताद पैना, अरे बैल वाले बाबू, हमें क्या मालूम था कि तुम अपने बैल इन्हीं को बेच रहे हो? अरे लल्लू भैया, ये बेचने के लिए नहीं है, तो अशोक बाबू ने हमें तोहफा दिया है। अच्छा? और उन्होंने कहा है गांव पहुंचाने का बंदोबस्त भी कर देंगे। अरे लो बोल लो, कर लो बात, इसमें बंदोबस्त की क्या जरूरत है? बैल लड़ने में तुम लोग भी लग जाओ। क्यों उस्ताद, ठीक कर रहे हो कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत ही अच्छा है, ये लोग तुम्हारे साथ ही चले चले, मुझे पैसा बनता है वो तुम मुझसे ले लो। अरे लो बोल लो, कर लो बात। बाबूजी आप क्या बात करते हो, ये तो हमारी पहन है और हम इसको ससुराल छोड़ने जा रहे हैं, पैसे थोड़े लेंगे। चल पहना, चलो चलो शाबाश, चल बीबी रानी, बल्ले हो बल्ले हो बल्ले। अरे उस्ताद बैठ जाओ, 100 माइल भी निकल जाओ। मैं अभी आई। अशोक बाबू,
अशोक बाबू, शहर में आकर ये दो साल की जिंदगी में मैं आपकी परछाई बनकर रही। आपने जिस तरह चलाया उसी तरह मैं चली। आज मैं घर बसाने जा रही हूँ, बता दीजिए मुझे क्या करना है। तन्ना, फिल्मों में मैंने बहुत से घर बसाए, बहुत से घर उजाड़े, लेकिन असल घर बसाना क्या होता है ये मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। अशोक बाबू जाओ, गुड लक टू यू।